जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती को सी जानन लगे हुई हो अब तक तो। अब रोज रोज को कह कह के अपनो नाम ले ले के हम परेशान हो गए हैं। अब अच्छा नहीं लगा खुदाई को नाव ले आरती घोसी आरती घोसी। आप सब के लाना पता तो है और नहीं है पता तो बता दे रहे आरती घोसी नाम हमारे चैनल को नाम है आरती घोसी ब्लॉग। अब तो हमारा राम हार गए हैं आप और हमें सपोर्ट का नहीं कर रहे। हमें तो समझ में नहीं आ रही है कितनी मेहनत करा थे तो सब कुछ करा था फिर भी आप और हमें वीडियो को शेयर ही नहीं करती आओ ने वीडियो लाइक ने चैनल सब्सक्राइब का नहीं करते। क्या दिक्कत परेशानी है वीडियो अच्छे नहीं लग रहा है बंद कर दे बनाओ कमेंट करके बता दीजिए फिर हम सही में बंद कर दे ठीक है। फिर न परेशान कर कमेंट कर दीजिए कि बंद कर दे या बनाते रहो या अच्छी बना तो बढ़ रहे आगे। वीडियो को लाइक तो कर दे जब कमेंट करियो तो करियो लेकिन पहले लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे फिर कमेंट कर दीजिए ठीक है। तो बढ़ रहे आगे बताए दे रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी के बागेश्वर धाम सरकार से विनती करी है कोने मतलब कोने पर अर्जी लगाई है बता दें तो बताए दे रहे हैं अपने बागेश्वर धाम सरकार से। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने अर्जी लगाई है जो कि पहले उनके मतलब जो बेटा है तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे जो कि वन पर्यावरण मंत्री है पर्यावरण भूल जात के आए कह रहा है पर्यावरण मंत्री हैं जो तेज प्रताप वे विरोध पे चल रहे थे कि उनके ऊपर विरोध प्रदर्शन हो रहा था बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर करवा रहे थे विरोध प्रदर्शन लगे थे। उनकी टीम भी है उनने बनाई थी पर्सनल अपनी खुद की आर्मी DSS टीम कछु कहा थे ऐसे कछु कहा थे पर नहीं जाने तो उनने जो आर्मी बनाई थी वह धरी की धरी रह गई है। तो वो खिलाना देखा वह उनकी बहन रोहिणी ने जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लाने ट्वीट करके कही है कि आप और हम ट्वीट की वह वेबसाइट सी कहा थे जो कछु कहा थे वह भी हम शायद लिंक कर दे हैं डिस्क्रिप्शन में सो आप और देख लेना। आप और सोचो कि हम अपनी तरफ से मतलब झूठी बातें बोल रहे हैं न्यूज में भी तो आ रही हुजे है ना बिना न्यूज के थोड़ी हो तो सब न्यूज पे आ जाए तो हम वीडियो बना देना हम कहाँ से वीडियो बने। तो रोहिणी है रोहिणी आचार्य जी हैं जो कि लालू प्रसाद की मौड़ियाँ हैं। तो उनने कही है कि मतलब जो मनोज तिवारी संगे बताया जा रहा है मतलब मनोज तिवारी जो कि अभी नेता हैं और जो भाजपा में जो BJP की पार्टी में अभी है देखो राजनीति नहीं हम जानते नहीं हमें पता है कैसे हम जानते नहीं हैं। तो आप सबके लाने हम बता रहे थे क्या करें कछु ऐसी परेशानी आ जाते हैं जो कि हम वीडियो बनाए में भूल जाते हैं भूल हो जाते भूल भूल का वो तो घर को काम होते सो कछु ना कछु में आई जाते जो जानकारी रहते अब हाँ वीडियो हमें तो ख़राब कर दें या तो फिर का हो तो कट कर दें या कछु भी तो मैं ऐसी बहुत सारी दिक्कत आ जाए तो हमें बच गया भग गई है सो बता को पता नहीं है हमारी गुनगुन को जो राजनीति वाली पार्टी हती सोन और ऐसी बात कही के कहा जो कि राम रहीम अब उनको जो मतलब है तो उनको का कहते हैं रोहिणी आचार्य को उनके तेज प्रताप की बहन को कि जो मतलब जो बाबा हरे यहाँ थे सबई जेल जाते तो उनको मतलब जो है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जी जेल जे हैंगे। तो ऐसा तो भैया भगवान जाने हमारे ख्याल से तो ऐसा हुज्जे ने कैसे भी सच्चाई के रास्ता पे है और अपने देश को भलो कर रहे हैं सो ऐसा ना हुज्जे और अब भगवान जाने जो कछु हुए तो भैया और नहीं औरों को जो ही मतलब है तो कि पंडित जैसे राम रहीम आसाराम बापू जेल गए हैं तो वैसे भी जेल चले गए हैं हम बताएं हम कहाँ जा रहे हैं आप सोच रहे कहाँ चले जा रहे तो हम जा रहे हैं हमें गुनगुन किलाने ढूंढवे किलाने गुनगुन भग गई हैं मतलब हमें बचिया को नाम है गुनगुन आप सबको पता ही उज्जे सुबह दिखा रही हैं दूसरों के घर है सो हम तो जा रहे हैं देखो आप और देखा तो कि हम कहते पहाड़ी इलाका है पहाड़ी तो जो है पहाड़ी इलाकों देखो दूर दूर तक पहाड़ है पहाड़ है दिखा रहा हूँ आप और तो ऐसे कहते हैं पहाड़ी तो नेट वह नहीं मिलते हैं तो नेट की दिक्कत मिलत है हमने कह के चलो वीडियो बना दो जाए गुनगुन को ढूंढ लिया हवा भी चल रही बहुत तूफान चल रहा है हमारी गुनगुन तो आ गई यहाँ तो कहाँ से आ गई हमने ढूंढ लिया हमारी गुनगुन किलाने चलो ठीक है वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल किलाने सब्सक्राइब कर दीजिए मिले हैं अगली वीडियो में तब तक किलाने जय श्री राम।